आया हूँ एक और नई मोटिवेशनल पॉडकास्ट। यार अगर अमीर बनना है ना तो बहुत सिंपल चीज करनी होगी। पैसा कमाने के लिए ना जो चीज मैं बताऊंगा ना वो चीज कोई नहीं करने वाला, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सिंपल है और लोगों को कॉम्प्लिकेटेड चीजें ज्यादा पसंद है। सिंपल सी चीजें सिर्फ दो स्टेप हैं। स्टेप वन, सेव मनी, दैट्स इट। अब बताता हूँ कैसे। अगर आप 50,000 कमाते हो तो अपनी लाइफ ऐसे जियो कि आप 15,000 कमाते हो, लेकिन दुनिया इसका उल्टा करती है। 50,000 कमाने वाली दुनिया 1,00,000 की जिंदगी जीती है, और बाकी 50,000 कहाँ से आता है? क्रेडिट कार्ड। जहाँ आप एक बार फंस गए ना फिर निकलना आसान नहीं है, और जितने ज़्यादा फंसते जाओगे क्रेडिट कार्ड के बिल्स में उतना ज़्यादा मज़ा आपके बैंक को आएगा। एक लाइन बहुत ज़्यादा फेमस है कि अगर आप आज वो सामान खरीद रहे हो जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है तो कल को आपको वो सामान बेचना पड़ेगा जिसकी आपको ज़रूरत है। तो इसलिए पहले आप सेव करना सीखो। 50,000 कमाते हो तो 15,000 की जिंदगी जीना सीखो। मतलब आप खुद सोचो यार, आप कैसी लाइफ जी रहे हो। आप वो सामान खरीद रहे हो जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है उन पैसों से जो आपके पास नहीं है, वो भी उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिनको आप पसंद भी नहीं करते। लोगों को ना बहुत जल्दी सक्सेसफुल बनना है, क्योंकि उनको किसी को प्रूव करना है कि वो भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। अब वो कैसे प्रूव करेंगे? एक्सपेंसिव चीज़ें खरीद कर। भाई मेरे, अगर आप कोई चीज़ खरीदे हो जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है तो आप अपनी लाइफ में हार जाओगे, और अगर आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए कोई चीज़ खरीद रहे हो तो आप ऑलरेडी हार चुके हो। और ये तो बिल्कुल मत सोचना कि बस एक बार पैसा और ज़्यादा कमा लूँ मैं तो अमीर बन जाऊँगा। अगर आज आप 10,000 नहीं संभाल पा रहे ना, कल को आप 1,00,000 भी नहीं संभाल सकते। फाइनेंशियल एजुकेशन ऐसे ही नहीं आती है। इसलिए ऑलमोस्ट हर एक बंदा जो लॉटरी जीता है शॉर्ट टर्म में तो अमीर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बुरी तरीके से डेट में फंस चुका है, क्योंकि उसने वो चीज़ें खरीद ली हैं जिसकी उसको ज़रूरत थी नहीं। लेकिन अगर आपने 10,000 कैसे संभालते हैं वो सीख लिया ना, कल को आप 10 करोड़ भी संभाल सकते हो। अब आते हैं स्टेप टू पे, वो है इन्वेस्टमेंट। बहुत लोग बोलेंगे कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। ये फालतू की बकवास है, क्योंकि आपके पास स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन आपके पास गुची के कपड़े खरीदने के लिए पैसे हैं। म्यूचुअल फंड के लिए पैसे नहीं है, लेकिन स्टारबक्स के लिए पैसे हैं। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं है, लेकिन मर्सिडीज के लिए पैसे हैं। भाई जब तक आप पैसों को इन्वेस्ट नहीं करोगे ना, आप अमीर नहीं बन सकते। मैं कहता हूँ, अगर आप अभी कुछ नहीं कर रहे हो, जॉब वगैरह कुछ नहीं कर रहे हो, तो बेस्ट चीज़ बताता हूँ, स्टॉक मार्केट सीखो। आपकी लाइफ बदल जाएगी। और अगर जॉब भी कर रहे हो तो टाइम निकालो और सीखो। मुझे पता है लोग कहेंगे यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। भाई मेरे, 8 घंटे सोते हो ना, 6 घंटे सोना चालू कर दो। जो 2 घंटे नेटफ्लिक्स पे लगाते हो ना, उसको लगाना छोड़ दो। 4 घंटे तो आपके यूं ही आ गए, इन 4 घंटों को कुछ सीखने में लगाओ। थकान होगी, मेहनत लगेगी, मुझे पता है, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो अमीर बनाओ बिना किसी सेक्रीफाइस के। तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। किस चीज़ का? अपने कंफर्ट जोन का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर ऐसे बैठे बैठे ही कंफर्ट जोन में अमीर बनते ना, तो दुनिया में आज हर एक बंदा अमीर होता। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम अगले।